जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि KGF चैप्टर 2 एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है तूफान सॉन्ग से। मतलब KGF मूवी कितनी जबरदस्त होगी इस चीज का अंदाजा हम इस गाने से लगा सकते हैं। गाना बहुत ही अच्छा है और गूज़बम्प्स लाने वाला है। तो इस गाने की रिव्यू वाली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि आप इस गाने में दिखाए जाने वाले सीन्स की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं, और हमारे बहुत से दोस्तों ने ये कमेंट किया था कि वो देखना चाहते हैं। तो गाइज मेरा नाम है ललित और आज हम करने वाले हैं तूफान सॉन्ग एवरी सीन एक्सप्लेन। आज हम पता लगाएंगे कि असली में तूफान सॉन्ग किस सिचुएशन में मूवी में आएगा। साथ में हम ये भी पता लगाएंगे कि इन सीन्स की मदद से हमें मूवी का कुछ हिंट मिल रहा है या नहीं। तो तूफान सॉन्ग की फुल वाइब में चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके हिसाब से ये गाना किस सिचुएशन का है, मूवी में ये गाना किस टाइम आएगा, और फिर लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि आप और मैं हम कितने सही हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि ये गाना उस सिचुएशन का है जब रॉकी KGF को अक्वायर कर रहा है, लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि ये गाना बेसिकली श्रीनिधि शेट्टी यानी कि रीना का है। मतलब आप एक बार फिर से ये पूरा गाना देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे गाने में जो KGF के बच्चे हैं वो बेसिकली रीना को बता रहे हैं कि रॉकी ने चैप्टर 1 में क्या क्या किया था। और इसके अलावा हमें कुछ सीन में ऐसा दिख रहा है कि अब KGF में क्या क्या हो रहा है। जैसे पहला सीन हमें दिखता है कि रॉकी अलग कपड़े पहनकर स्लेव वर्कर्स के साथ माइनिंग करने जा रहा है और कर भी रहा है। तो ये सीन डेफिनेटली रीना के लिए नहीं है, बल्कि इस सीन से हमें ये पता चलता है कि KGF में अब क्या हो रहा है। सो रॉकी बिकम द न्यू ओनर ऑफ KGF, लेकिन वो बॉस नहीं बल्कि लीडर बन गया है। मतलब ये है कि रॉकी खुद को मालिक और वर्कर्स को स्लेव नहीं बल्कि सबको सेम समझ रहा है और उनका हाथ बटा रहा है। मतलब KGF अब पहले की तरह कैद खाना नहीं रहा, अब सब लोग अपनी मर्जी से वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखता है बच्चे वाला सीन जिसमें बच्चे खाने की बोरियों को ट्रॉली में लेकर आ रहे हैं, जिसको रीना देख रही है। मतलब ये सीन बच्चों ने क्रिएट किया है रीना को दिखाने के लिए कि रॉकी ने चैप्टर 1 में क्या क्या किया था। जैसे कि हम सबको याद है कि रॉकी ने भी इसी तरीके से खाने की ट्रॉली को खींचा था। इसके बाद हमें दिखता है कि रॉकी वर्कर्स के साथ बैठकर खाना खा रहा है। तो इस सीन को ऐसे समझो जैसे बाहुबली को भी बाहर जब निकाला था और वो भी आम लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तो ये सीन भी वैसा ही है। दोनों सीन में हमें यही पता चल रहा है कि दोनों हीरो डाउन टू अर्थ है, जिसको देख कर आम लोग हैरान है। और इस सीन से भी ये क्लियर हो गया है कि रॉकी वर्कर्स को बहुत ही अच्छे से और एज एन एम्प्लॉय ट्रीट कर रहा है। इसके बाद आता है फिर से बच्चों वाला सीन जिसमें बच्चे रीना को अंधे बुढ़े वाला सीन क्रिएट कर दिखा रहे हैं, और साथ ही KGF चैप्टर 1 का लास्ट वाला सीन भी दिखा रहे हैं, और इन सीन्स को देखकर रीना के होश उड़े हुए हैं। तो गाइज ये थे वो सीन्स जो हमें तूफान सॉन्ग में दिखे। तो सीन ये है कि इन सारे सीन्स में हमें रीना KGF में दिख रही है, और KGF में उसका अटायर बिल्कुल ही अलग है चैप्टर 1 से, जिसका मतलब ये हो सकता है कि रीना अपना घर छोड़कर रॉकी के पास आ गई है। और अगर ऐसा है तो कमल और राजेंद्र देसाई का गुस्सा तो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो गाइज अब वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके अजम्पशंस और मेरे अजम्पशंस कितने सिमिलर हैं। तो गाइस ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।